बैक माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी पेंटिंग कैसे करना है और मैं क्या पेंटिंग करने वाली हूँ वो भी साथ साथ दिखाऊंगी और वो भी इस नोटबुक के पेज में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे जो स्टेप्स होती है ना वो निकाल दिए हैं ताकि अच्छा लगे और जब ये हो जाएगा तो मैं इतना और इतना भी निकाल दूँगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए मैं वाटर कलर यूज़ करने वाली हूँ और ना कि ब्रश। ये मेरे लिए एक चैलेंज बन के रहेगा कि मैं ब्रश नहीं बल्कि मेरे फिंगर्स यूज़ करने हैं ये पेंटिंग करने में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है ना मुझे इसको अच्छे से इसे जोड़ना पड़ेगा ताकि क्योंकि मुझे पेंटिंग ना ओब्वियसली इधर करनी है तो मुझे यहाँ पे पेंटिंग करना होगा। और पेंटिंग के लिए मुझे कुछ अच्छा से करना ऐसे क्लिप की जैसे भरा के बंद करके रखना है। तो मैंने कल ही परचेज किया ये 30 रुपीज़ की यू पिंस कलरफुल है। 100 पीसेस आते हैं इसमें। तो मैं है ना इसमें से वाइट कलर तो नहीं पर अभी मैं ब्लू कलर यूज़ करने वाली हूँ। ओके तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं ब्लू क्लिप्स भराने वाली हूँ। तो ये कलर का जो होता है ना ये ओपन पार्ट्स उसको मुझे फोल्ड करना है इस तरह। जब ये फोल्ड हो जाएगा तब इसको क्लिप के जैसे इंसर्ट कर सकते हो आप। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे मैं यहाँ पे और एक भरा दूँगी मतलब इंसर्ट कर दूँगी ब्लू कलर का ही। तो वो भी इंसर्ट करते आओ। तो गाइस ये प्रोसेस की वैसे ये भी यहाँ पे करते हैं। तो ये जो ओपनिंग पार्ट होता है ना उसको हमें इस तरीके से बेंड कर देना है और ये जो पीछे का पार्ट्स है ना हमें इसे इंसर्ट कर देना है और हमारी हार्ट वाली यू पिंस रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ से थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे इन हो जाए। तो कैसे लग रही है मेरी हैट पिंस तो आपकी घर पर ट्राई करना। तो मैंने डिटेल्स दी है सब कुछ इसके बारे में। तो अभी पेंटिंग करते हैं। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ना ब्लैक कलर चाहिए होगा यहाँ पे है पर ब्लैक पूरा का पूरा जमा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। तो अभी के लिए मुझे क्लिप्स हटानी पड़ रही है। जब ऊपर का हो जाएगा तब मैं ये कर लूँगी। तो मैं ब्लैक कलर जरा सा लेकर ब्लैक का पेंटिंग करूँगी यहाँ पे। दो लाइंस ब्लैक की करने वाली हूँ मैं। ओके गाइस तो मेरा अभी लाइट ब्लैक लग रहा है लेकिन आपको डार्क चाहिए तो डार्क भी कर सकते हो पर अभी के लिए ना मुझे लाइट ब्लैक ही करना है। क्या कि आप सोच रहे हो लाइट ब्लैक क्यों पहला रखना है। मुझे इसलिए लाइट ब्लैक रखना है ताकि नोटबुक का पेज दिखे। आप सोच रहे हो नोटबुक का पेज नहीं दिखे वो ही अच्छा है और इसको पेज दिखाना नहीं। मेरा मुझे पहले ऐसे ही करना था लेकिन सबको भी पता चले कि हम ये वाले पेज में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मीन्स कि उसके जैसा ही लगता है। आप ट्राई कर सकते हो एक बार। ओके जो बड़े से बड़े आर्टिस्ट है वो मैं उसको भी बोलना चाहूँगी कि एक बार करें। और अभी लाइट ब्लैक अप्लाई होने के बाद मैं ये ज़रा सूख जाए बाद में ये क्लिप्स अटैच कर दूँगी। और अभी मैं है ना ये ब्लू कलर करूँगी डार्क वाला ब्लू। ओ माय गॉड ये पूरे का पूरा मतलब जमा हुआ है। इसको सबसे पहले लेकर ना इस बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ। ओके अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके लाइट लाइट कर लेते हैं और पेंटिंग करना शुरू करते हैं। तो अभी के लिए लाइट ब्लैक कुछ ऐसा लग रहा है
और जब ये पूरा हो जाएगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा सच में। तो ये अभी कलर यहाँ पे थोड़े चिपके चिपके हुए हैं तो अभी इसको हटा ध्यान इग्नोर करते हुए हम ये फिनिश करते हैं। तो मैंने 2 टाइम्स इस नेवी ब्लू कलर में डिप किया, वायोलेट कलर में डिप किया, और मैंने ऐसे ही पानी से फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी है ना आपको क्या करना है, एक आपकी फिंगर लो, इसको पानी में डिप करो। ये प्रोसेस आपको अपने हाथ से ही करनी पड़ेगी। तो आपको पहले पानी में डिप करनी है फिंगर, जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपको पानी में डिप करके ब्लू में ज़्यादा थोड़ा सा है उतना करके ऐसे दोनों के बीच ना ऐसे मर्ज मर्ज करते हुए कर देना है, ताकि ब्लैक में भी जो हो वो नहीं रहे। बाद में मैं है ना वाइट कलर लूँगी यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी अभी थोड़ा सा वाइट कलर से इसको ढीला ढीला करते हैं, गुजराती में बोले ढीला ढीला मतलब कैसा लगता है। मुझे गुजराती की प्रैक्टिस होती ही है रोज़ की, क्योंकि मैं एक गुजराती हूँ, गुजरात में रहती हूँ, आई मीन गुजराती हूँ तो गुजरात से आती ही होंगी ना यार। ओके, मुझे हिंदी की भी प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि मैं स्कूल है ना वहाँ पे हिंदी भी सिखाया, हिंदी सब जगह सिखाया जाता है, लेकिन हिंदी बोलना वहाँ पे कंपलसरी है। तो मैंने अभी वाइट कलर से थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। अभी वाइट के बाद हम लेंगे पर्पल, डार्क पर्पल लेना है, जो कि ये वाले शेड्स में अवेलेबल सी होते हैं। तो डार्क पर्पल से पहले इसको मर्ज करते हैं, बाद में पर्पल स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है ये कुछ डिफरेंट लगेगा, पर ट्राई करने में क्या जाता है, तो इसलिए ट्राई करते हैं। मैं हर रोज़ ऐसे नए नए आर्ट्स ट्राई करती हूँ, पर मैं आपको से शेयर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे स्कूल होती है, स्कूल तो मेरी आफ्टरनून की है, इसलिए मैं आपको बहुत कम मिलती हूँ। मेरे मंथ में एक मंथली वीडियोस आते हैं, लेकिन इस बार अभी से हर संडे को मेरा डेली व्लॉग आएगा, पर ओनली संडे। आप मत बोलना कि रोज़ तो कब आया, रोज़ तो कब आया, रोज़ मतलब कि डेली संडे आएगा मेरा व्लॉग। ओके, तो मेरे डेली व्लॉग के लिए तैयार रहना, और मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरी आर्ट पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक तो ज़रूर से कर देना। तो अभी पिंक कलर का टोन है, रेडियम सा पिंक होता है ना उसका टोन है, पर पिंक में थोड़ा सा ना मैं वाइट होता है वो ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पे, ताकि ना ये बहुत डार्क लगता है तो थोड़ा लाइट बन जाए तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो वायर फर्स्ट इज मर्जिंग, कंप्यूटर में आता है ना मर्जिंग का सेल्स, सेल्स मतलब कि वो जो बॉक्स होता है ना उसको सेल्स बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ओके, फालतू की बकवास बहुत हो गई है, अभी फालतू की बकवास छोड़ के अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि हम कब के बना रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है। ऑलमोस्ट अभी 9 मिनट तो हो ही चुके होंगे, तो हम कब का बना रहे हैं लेकिन बन ही नहीं रहा, राइट? नहीं, मैं बनाने की फुल ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको मैं दिखाऊं, पर मैं इसे हो ही नहीं पाता है मेरे से कि जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि मैं आराम से करने वाली हूँ, और इतना जल्दी करूँगी तो क्या बनेगा मेरा। तो इसलिए मैं सारे व्लॉग्स में सब कुछ आराम आराम से करती हूँ, और बाद में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, अपलोड अपलोड अपलोड। ओके, तो अभी पिंक कलर का काम खत्म, अभी 2 लाइन के लिए क्या बचाना, तो 1.5 लाइन्स है ऑलमोस्ट, तो कर ही डालती हूँ ना ये वाला।
एक बार करने में क्या अच्छा लगता है क्यों? तो हमने कर दिया है, वेल एंड डन। अभी हमें है ना ये सारे कलर्स को रखते हुए, एक्सपेक्ट करते हुए सबकी जीत, और अभी मुझे चाहिए कुछ और स्केच पेंसिल से मुझे डिटेलिंग करनी है, लेकिन फर्स्ट मैं इसको सुखाने रखूँगी। जब ये सूखेगा तब ये कभी ये बनेगा है ना, तब तक हम मून कर लेते हैं। ओके मून कर लेते हैं फर्स्ट। तो ये कलर होता है ना, उससे मैं हाफ मून करने वाली हूँ, हाफ नहीं फुल मून कर रही हूँ। बस सिर्फ इधर कट रही हूँ मैं, थोड़ा सा डार्क हो तो मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके ये वाला कलर से हो गया, अभी चॉकलेट कलर से करते हैं। ये दोनों को मिक्स करके कुछ अलग ही कलर बना है हमारा। अभी इसमें ना ये स्किन कलर तो है नहीं, तो करके क्या करेंगे ना। पर हमारा दोस्त वाइट तो है ना, वाइट दोस्त, तो वाइट भी अभी ऑलमोस्ट ग्रे हो चुका है, तो भी हम कर लेते हैं है ना। वाइट वाइट है तब तक ना मैं इसमें रख देती हूँ, और मैं इसे कर रही हूँ, जितना वाइट हो उतना। और हमें एक परफेक्ट सा डोसा बनाना है। अगर आपकी मम्मी आपको डोसा नहीं बनाने देती तब आप पर, तो आपको ऐसे डोसा बना लेना है। बहुत इजी तरीका है डोसा बनाने का है ना। तो मेरा डोसा अभी रेडी होने आया है, मेरा मून अभी रेडी होने आया है। तब तक मैं इसको मिक्सिंग 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 करूँगी। ओके मेरा डोसा मेरा चंद्र रेडी हो चुका है ना। और अभी मैं स्केच पेन को ढूंढ के आती हूँ। तो गाइस मेरी कड़ी मेहनत के बाद मुझे मेरी स्केच पेन मैक्स मिल गई है, तो स्केच मैक्स। इसमें से ब्लैक कलर ढूंढा और इसमें से मैंने ट्री ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँगी। मतलब यहाँ पे अभी बिट ऑफ नहीं सूखा है, तो इसको सुखाने की मैं पूरी ट्राई करूँगी। तो वो जब तक सूख रहा है मैं तब तक यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये परफेक्ट डिसीजन है। तो अभी मैं कलर कर रही हूँ यहाँ पे, as you can see here, ऐसे जैसे कलर हो वैसे मैं जैसे कलर करूँगी। जस्ट अ मिनट होगी मुझे इसमें कलर करने के लिए, सीरियसली बहुत मेहनत लगती है इतना करने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एक बार करके तो देखो, हम कभी की मेहनत करते हैं और लास्ट में मेहनत सफल होती है ना। तो इस मेहनत को और भी ज़्यादा सफल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे हमने एक पैड रख दिया है, ये वाला पोस्टर पैड, ताकि है ना ये नीचे पेपर पर ना अटके। ओके तो इतने में कलर हो चुका है, अभी इतने में भी करते हैं, थोड़े में मत करना।
तो ऐसे ही सारे ट्रीज करने हैं हमें। थोड़े से छोटे, थोड़े से बड़े, थोड़े से ऐसे, थोड़े से वैसे, ऐसा हमें ये ड्राइंग कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ अभी ऐसा लग रहा है, उस चीज में स्केच पेन गिर गई। तो ये वाला भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और भी छोटू वाला करते हैं हम, हो सके उतना छोटू छोटू करेंगे। ओह माय गॉड, मेरे डोसे में हैंड टच हो गया, अभी डोसा पक्का नहीं बनेगा मेरा। मुझे शॉर्ट्स बनाना बहुत पसंद है, रील्स बनाना भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक बनानी अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे आलस आती है ना। मैं फन 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 फनी 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 फनी, जो कि मैं नहीं, मैं मेरे मुंह है फनी, क्योंकि वो बुलवाता है और मेरा दिल बोलता है, मेरा दिल बोलता है, मेरा मुंह दिल सोचता है, मेरा मुंह बोल जाता है, तो कुछ ऐसे होता है। पर इसमें लाइक इंक ख़त्म हो गई है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपन। तो मैंने यहाँ पे ना एक छोटू सा घर पे बना दिया ही, जो कि बहुत फनी 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 लग रहा है। और मुझे ये फनी 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 इतने के लिए इतने सारे हंसी नहीं, हंसना नहीं चाहिए। तो कुछ यहाँ पे पंछी उड़ रहे हैं, मैंने अकेले को किसी को भी नहीं रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू लेटर गाइस, बाय बाय।